हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को। रियल नंबर में आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 हमारा इरेशनल नंबर है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक वैसे ही इसमें भी अज्यूम करेंगे हम। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया है कि 3 + 2√5 हमारा रेशनल नंबर है। तो 3 + 2√5 हमारा अगर रेशनल नंबर है तो a अपॉन में b के बराबर हो जाएगा, जहां पर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। जहां पर a और b हमारे क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। इसके बाद में ये 3 हमारा प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2√5 बराबर a अपॉन में b माइनस 3। 3 के नीचे 1 है, यानी कि b इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस 3 का b। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बराबर आएगा 2√5 के। अब रूट 5 बराबर हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन में 2b। 2√5 के साथ में मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2b आ गया। इतना करने के बाद में हमें लिखना है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, इसलिए ए माइनस 3b अपॉन में 2b इज रेशनल। बट We know that root 5 is irrational। तो ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यदि इरेशनल नंबर बराबर है आपका रेशनल नंबर के यहां पर, तो ये हमें पता है कि ये नॉट इक्वल होता है, इसलिए हमने लिखा सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं, इसलिए a माइनस 3b अपॉन में 2b हमारा क्या है, रेशनल है। बट लेकिन वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम ये जानते हैं कि रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसकी वजह से। इसके बाद में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे इरेशनल रेशनल के साथ में इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, 3 + 2√5 को रेशनल माना था। तो हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रॉन्ग अजम्पशन लिया था, 3 + 2√5 को हमने रेशनल माना था, इसलिए। तो यहां से हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 + 2√5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।